हेलो माय यूट्यूब चैनल अतरंगी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनाने वाली हूँ और आप पूरी वीडियो देखें किस तरीके से बनाना है, तो चल के देख लेती हूँ। चावल से बनाऊंगी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, तो चलती हूँ देरी ना करते। तो ये एक कप चीनी मैंने ली है, मोटी वाली है, इसको बारीक करके पीसना है। तो एक ये जार ले रही हूँ और इसमें चीनी डाल करके पल्स मोड पे चला लेना है। ये चीनी हमारी पिस चुकी है और चीनी पीसी ही चाहिए थी, और ये बाउल ले लिया एक है और इसमें सारी चीनी को पलट लेना है, जो भी है पलट लेनी है। ये एक कप जितनी मैंने चीनी ली थी उतना ही ये रिफाइंड ऑयल है, तो ये सारा डाला जाएगा, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, इसको मिक्स कर लेना है आपस में। अच्छी तरीके से इसको मिला लेती हूँ। ये देखिए कितनी जल्दी ये मिक्स हो गया है आराम से। तो इसको इस देखिए इस तरीके से मैच करना है, चीनी को अच्छी मैच हो चुकी है। तो ये छन्नी रख चावल का आटा इसके अंदर डाल रही हूँ। तो चावल का आटा इजीली मार्केट में मिल जाता है, किसी भी ब्रांड का ले और या फिर अपने घर में भी बना सकते हैं। तो इसे छानना ज़रूरी है, जो मोटे कण होंगे वो निकल जाएंगे और उसे अच्छा हमें मिल जाएगा आटा मुझको चावल का। आटा अच्छा वाला छन गया और अब क्या करना है, उसको बगैर पानी से ही मुझको इसमें मिलाना है, जितना भी मिल जाएगा तो उस तरीके से मुझको पानी मिलाना है। तो ये चम्मच से तो होगा नहीं, हाथ से ही मिलाया जाएगा, तो इस प्रकार से आप हाथ से मिला लेती हूँ। ये पूरा अच्छी तरीके से मैच हो चुका है और ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बन रहा है, बिल्कुल हनुमान के जैसा बिल्कुल ही। ये देखिए है, तो हमें ऐसा ही चाहिए था। और पानी अब थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही डालना है और इसको अच्छी तरीके से गूँथ लेना है। सॉफ्ट हाथों से गूँदना है, टाइट नहीं करना है। तो जितना मुझे आटे रोटी वाला गूँधते आटा वैसा नहीं, मतलब थोड़ा इससे मुलायम ही आटा इसको गूँदना है। तो ये भी थोड़ा सा और पानी डालना है, तो पहले मैंने आधी कटोरी से कम लिया था और ये थोड़ा सा और डाला है। तो मुझे थोड़ा सॉफ्ट ही लगाना है क्योंकि चावल अभी ये फूलेंगे, तो इसलिए थोड़ा गीला ही चाहिए था। इस तरीके से मैं करके ढक के रख रही हूँ, उसको बाद में देखती हूँ। 20 मिनट के लिए रख रही हूँ इसे, तो मैं ये 20 मिनट के बाद ही देख रही हूँ कि ये कैसा तैयार हुआ हमारा। ये डो लगाया था अच्छी प्रकार से, ये देखिए मैंने बताया था कि आटे के जैसा नहीं बनाना है, सॉफ्ट ही बनाना है। और ये देखिए पूरा रूखा रूखा लग रहा है, बिल्कुल खुला खुला ये, पर मुझे ऐसा ही चाहिए था बेटर। और ये हमारा बनके तैयार हो गया, साइज अपने साइज से ही बनाएं। तो ये गोल गोल ही छोटे छोटे बना के रख रही हूँ और सबसे पहले ये बाउल लेती हूँ और ये तिल इसमें डाल लूँ एक कटोरी, और ये साफ कर लिए हैं तिल और ये मुझको गोल गोल करके इसमें डालना है। ये छोटे छोटे ही गोल बनाने हैं, इस प्रकार से इसके अंदर डालना है। ये तो ये आपको दिखाती हूँ हमें ये तिल कैसे इसके अंदर लगाना है। तो ये इस तरीके से पूरी अच्छी तरीके से ये तिल हमारे ये लग के तैयार हो गए। इस तरीके से मुझको तिल लगाने और सारे इसमें हमें रख लेने एक एक करके। तो ये जब ये अब मैं रिफाइंड डाल रही हूँ, तो उतना ही डालें जितना ज़रूरत हो आप लोगों को, तो अपने हिसाब से ही डालें। ये फॉर्चून में भी बना रही, ज़्यादा बेस्ट बनते हैं। तिल में लग चुके हैं, ये अंदर से सारे तिल में चिपक चुके हैं और अब ये तेल हमारा गरम हो रहा। तो तेल हमें इतना ही गरम करना, ज़्यादा नहीं करना, मीडियम ही रखना है। तो इसको एक एक करके मैं इसमें इतना घेरूंगी कि वो बिल्कुल
आराम से ये सीखे, जैसे कि हम सेमी वगैरह सेकते हैं, मटरी वगैरह सेकते हैं, उस प्रकार से ही उतना ही तेल मुझको गर्म चाहिए, बिल्कुल हल्का वाला। तो इतने आए जितने ही डालें, ज़्यादा मत डालें। फैन आपका जितना बड़ा हो उस हिसाब से इसमें गेर दें। तो बस ये इतने हमें अभी चलाना नहीं, ऐसे ही पकने छोड़ देना है। शुरू हो गए अब तो ऐसे ही पकना, अभी हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना है, आराम से इसको हिला डुला देना है। तो ये इस हिसाब से बस फिर ऐसे ही छोड़ देना है भाई। तो ये अंदर से हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, और बहुत हल्के सॉफ्ट हाथों से निकालना है ताकि इसके तिल इसमें चिपके ही रहें, निकले नहीं। तो आराम आराम से हमें रखना है, चुप्पे से इसको सारे निकाल लेना है। और इसी प्रकार से सारे मुझको बनाने हैं, भी और भी बनाने हैं, तो फुल वीडियो आपको भी दिखाती हूँ कैसे ये तैयार हुए हैं। ये हमारा बैटर बच गया था, तो थोड़ा सा अलग कर लिया था इसको भूनने के लिए। तो अब ये दूसरे स्टाइल से बनाऊंगी और इसको बेल लेना है। तो मैं थाली पे ही बेल रही हूँ, ये नमक वाले बनेंगे आपको, स्वाद में इसका नमक होगा, इसमें मिठास बिल्कुल नहीं होगी। तो इस प्रकार से बना लेना है, छपा के ये जो किनारी पक जाती है ना, तो हमें यूँ इसको ऐसे दबोच देना है। तो इस तरीके से ये किनारी फिर बंद हो जाएंगी। अच्छा, ये बन के हमारा तैयार हो जाएगा। और थोड़ा मोटा ही बेलना है, पतला ही बेलना है, बिल्कुल हमें इसको ऐसे रोक देना है। ये देखिए ज़्यादा पतला नहीं बेलना है इसको, इस प्रकार से ही रखना है। ये सारा चकोर हो गया हमारा, थाली में ही मैंने चकोर बना दिया। और इसको तरीके से देने गया है, और इसको मैं पीसेस में काट लेती हूँ इस प्रकार से, छोटे छोटे पीस निकाल लेना है। छोटे बड़े अपने साइज से ही बना ले, जितना भी आप लोगों को सही हो। और ये देखना कितना ही बर्फी स्टाइल बन के तैयार हुआ है। तो बस कढ़ाई हमारा तेल गरम हो गई है, इसको ये दूसरी प्रकार से हमारे बन गए नाश्ते। ये देखिए सारे बन के तैयार हो रहे, बहुत खस्ता बनेंगी ये। जी हो चुके हैं, इसको पलट लेना है। बहुत ही इजीली ये बन के तैयार हो रहे, और एक बार में बहुत से बन गए। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, पर ये मीठे नहीं हैं, ये नमक वाले हैं, नमकीन बनाए हैं मैंने। तो इसका भी टेस्ट अलग ही होगा, वो मीठे अंदर से बनाए हैं और ये नमक वाले अंदर से। तो हमारे ये तिल परफेक्ट पड़े हैं इसके अंदर, जो थोड़े बहुत बाहर निकल गए तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे तिल को सर्दियाँ आ रही, तिल की बहुत ज़रूरत है, इससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं खाने से। तो बच्चों को भी खिलाएं, बड़ों को भी खिलाएं, तो ज़रूर ही बनाएं इस प्रकार से जैसे मैंने बनाए हैं। तो बस इसको उलट पलट करते रहें, तो इजीली ये गोल्डन हो जाएंगे। गोल्डन हमारे हो गए हैं अच्छी तरीके से, और मैं निकाल रही हूँ सारे, ये निकाल लेती हूँ। तो जो एक्स्ट्रा तेल होगा तो इसमें छन जाएगा, और ये हमें बढ़िया वाले नाश्ते परफेक्ट वाले निकल ही आ रहे हैं सारे, एक साथ बहुत से बन गए। और वाले हमारे दो मेल के नाश्ते तैयार हो गए, ये नमक वाले हैं और ये अंदर से मीठे ही होते हैं। तो ये मैंने मीठे बनाए हैं बिल्कुल हलवा स्टाइल। आपको ज़रा से भी अच्छे लगे शेयर लाइक ज़रूर करें, परफेक्ट बने हैं। ये देखिए चटके हुए होते हैं, और तिल तो थोड़ी बहुत फ्राई करते हुए छूट जाती है, पर थोड़ी बहुत तो इसमें लगी है, पर ऐसे ही होते हैं बने हुए। आप लोग ज़रूर बनाएं और कमेंट में बताएं कि कैसे लगे खा करके।